सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में मैं मेकओवर करने वाली हूँ हमारे बेड का। तो सबसे पहले मैं आपको बेड दिखा देती हूँ। इसकी बैक तो काफ़ी अच्छी है, सुंदर है, बिल्कुल न्यू है, लेकिन शिफ्टिंग की वजह से ये जो बेड है इसके साइड्स पे, वुडन पे काफ़ी डेंट्स आ गए हैं, स्क्रैचेस आ गए हुए हैं और इसका कलर भी काफ़ी डल हो गया हुआ है। तो मुझे लगा इसको ठीक करना चाहिए। काफ़ी टाइम से मैं सोच रही थी कि इस पर मैं क्या करूँ कि ये ठीक हो जाए, तो आज फाइनली मैंने सोच लिया है और चलिए जल्दी से इसको ठीक करते हैं, क्योंकि ये काफ़ी ओल्ड सा दिखने लग गया है और इसकी लुक बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है। सो मैंने काफ़ी रिसर्च के बाद ये वॉलपेपर सेलेक्ट किया जो कि सिर्फ मुझे मिला 134 रुपीज़ का। सो ये मैंने लिया था मीशो से। तो गाइज़ ये मैंने मंगवाया था मीशो से। इससे पहले मैंने फ़्लिपकार्ट, अमेज़ॉन सब कुछ अच्छे से चेक किया, लेकिन वहाँ पे रेट्स काफ़ी हाई थे। लाइक 350 में एक रोल मिल रहा था, तो मुझे वो अफोर्डेबल नहीं लगा, क्योंकि अभी पता भी नहीं है कि ये अच्छे से इस पर टिक भी पाएगा, नहीं टिकेगा, कितना चलेगा कितना नहीं। तो इसलिए मैंने मीशो से मंगवाया 134 रुपीज़ का। सो ये बहुत अच्छा आया है, एकदम माइका लुक है इसकी और काफ़ी शाइनी भी है, ग्लॉसी भी है। और सबसे अच्छी बात ये है कि इसकी जो बैक है उसके साथ ये प्रॉपर मैच कर रहा है, जो कि मुझे सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न थी कि सेम कलर आ जाए, क्योंकि जो फोटोज़ में होता है वो एक्चुअल में नहीं आ पाता, लेकिन मीशो ने मुझे सही प्रोडक्ट भेज दिया है। सबसे पहले तो मैंने अच्छे से अपने बेड को क्लीन किया, लाइक जिस एरिया में वॉलपेपर अप्लाई करना है वहाँ पर अच्छे से क्लीनिंग करनी है। कोई हल्की सी भी डस्ट जो है वो वहां पे नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज वॉलपेपर स्टिक नहीं करेगा। सो गाइस, क्लीनिंग के बाद मेजरमेंट्स के अकॉर्डिंग मैंने वॉलपेपर को कट कर लिया था। तो मैंने इसको अप्लाई करना स्टार्ट किया। ये सेल्फ एडहेसिव वॉलपेपर है, जैसे स्टिकर लगाते हैं ना पील करके, सेम वैसे होता है, इसलिए इसको अप्लाई करना काफी इजी हो जाता है। तो पहला पीस लगाने में ही इसकी गम का पता लग गया था, लाइक ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग गम वाला था और बिल्कुल भी ऐसा नहीं था कि ये चिपके ही ना। तो मैंने इसको कॉटन के कपड़े से प्रेस करते हुए अप्लाई किया, तो बहुत अच्छे से अप्लाई हो गया, बिल्कुल भी बबल्स इसके अंदर नहीं आए। मुझे लगा कि सबसे पहले जो ये साइड की पट्टियां हैं जो बाहर को निकली हुई हैं वुडन की, इसके ऊपर मैं अच्छे से अप्लाई कर देती हूँ चारों तरफ। उसके बाद हम इसके साइड्स पे भी अप्लाई करेंगे, तो जब साइड्स पे अप्लाई करेंगे तभी अच्छे से लुक जो है वो निकल के आएगी। Thank you.
गाइस साइड्स के सारे पट्टी पे पहले अप्लाई कर लिया है, अब इसके फ्रंट पे अप्लाई करते हैं क्योंकि एक्चुअल लुक यहाँ लगाने से ही दिखेगा। बहुत बहुत अच्छे से अप्लाई हो गया है, एकदम से ट्रांसफॉर्मेशन हो गई है। लाइक मुझे होप नहीं थी इतनी कि इतना अच्छा एंड रिजल्ट आने वाला है। सीरियसली सिर्फ 260 रुपीज़ में मैंने ये बेड ट्रांसफॉर्म कर लिया है, एकदम न्यू लग रहा है एंड पूरा ग्लॉसी लुक आया है, रूम की काया पलट ही हो गई है एकदम से। सो आई होप कि आपको भी ये उतना ही पसंद आया होगा जितना मुझे आया है। मुझे कॉमेंट्स करके बताना आपको कैसा लगा, लाइक करके ज़रूर जाना। ऐसी और वीडियोस के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज़।